जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अंश पांडे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जानेंगे। परमेबिलिटी के बेस पर मैग्नेटिक मटेरियल को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे सब्सटेंस जिन्हें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये फील्ड के अपोज डायरेक्शन में स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, और जब इन्हें किसी एंड ऑफ मैग्नेट के पास ले जाया जाता है तो ये कुछ रिपल हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिंक, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, एंटीमनी, एटसेट्रा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, और जब इन्हें किसी पावरफुल एंड ऑफ मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो ये उस एंड की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लैटिनम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, एटसेट्रा। नंबर 3, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंस जो किसी एंड ऑफ मैग्नेट के पास लाए जाने पर इंटेंसिटी से अट्रैक्ट होते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, एटसेट्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।